Hello friends, welcome to my YouTube channel S2A. So friends, this video is based on an important topic, that's how to make an attractive thumbnail and how to catch more audience on your videos. So friends, अगर आप भी एक successful YouTuber बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने videos के लिए एक अच्छा सा thumbnail बनाना सीखना होगा. So without getting late, let's start our video. एक अच्छा सा thumbnail बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने फ़ोन में Pixel Lab app को download कर लेना है और उसके बाद इस app को अपने फ़ोन में open कर लेना है. एंड देन आपको साइड के 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे YouTube थंबनेल साइज़ को चूज़ कर लेना है. फिर आपको अपने थंबनेल के बैकग्राउंड के लिए कलर चूज़ कर लेना है. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं भी अपने थंबनेल के बैकग्राउंड के लिए कलर चूज़ कर लेता हूँ. सो हमने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया है अपने बैकग्राउंड के लिए. तो अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और आपने जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है उस टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिख देना है. तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है. ऐसे ही आपको लिखना है. फिर इसके बाद आपने जो यहाँ पर लिखा इस टेक्स्ट का आपको कलर चेंज कर लेना है. अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर अच्छा जैसा कलर. तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया. फिर इसके बाद आपने इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के बाद आपने इसको रोटेट कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे भी आप करेंगे. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया है और इसके बाद आपको 3D शेडो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसकी ऑपोसिटी वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है और वैसे ही आपने फिर से उसी प्रोसीजर को दोहराना है. प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने थंबनेल के बारे में आप जितना भी लिख सकते हैं लिख देना है और जैसे हमने पहले टेक्स्ट को यहाँ पर मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, वैसे ही आपने मॉडिफाई कर लेना है. सो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से अपने थंबनेल के बारे में लिख देता हूं और उसको मॉडिफाई कर देता हूं. ऐसे ही आपने भी मॉडिफाई करना है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में लिख दिया है और इसको अच्छी तरह से मॉडिफाई कर लिया है. अब हमें फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करके गैलरी के ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे पहले से बने हुए थंबनेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा. एंड देन फिर से इस प्रोसेस को रिमाइंड करना है और एक और थंबनेल को चूज़ कर लेना है और इसके अपोजिट में हमने एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारा थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो यहाँ पे हमने दोनों थंबनेल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और अब हमें वापस फिर से वही प्रोसेस रिवाइंड करनी है और अपनी गैलरी से यूट्यूब की एक PNG को सिलेक्ट कर लेना है. लेकिन फ्रेंड्स, आपने इस यूट्यूब की PNG पे वो सारे एक्शंस अप्लाई करने हैं जो एक्शंस हमने पहले टेक्स्ट पर अप्लाई किए थे ताकि हमारी यूट्यूब की PNG देखने में अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे थंबनेल की तरफ अट्रैक्ट हों. तो जल्दी से मैं इस पर वो सारे एक्शंस अप्लाई कर लेता हूँ और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया. यहाँ पे अब मैं इस यूट्यूब की PNG के मिडल में एक इमोजी सेलेक्ट करूँगा ताकि हमारा थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे थंबनेल की तरफ अट्रैक्ट हो. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इमोजी को सेलेक्ट कर लिया है और अपने हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट भी कर लिया है. अब आपने फिर से इस प्रोसेस को रिवाइंड करना है और एक और PNG को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फ्रेंड्स, इस PNG को सेलेक्ट करने के बाद पूरे थंबनेल पर एडजस्ट कर लेना है और इस थंबनेल को सेव कर लेना है. सो फ्रेंड्स, हमारा थंबनेल यहाँ पे बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें.